ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा को एक पत्र लिखा, देखो बाबा कितना पॉजिटिव सिखाते थे। तो एक तिलक नगर में जब अपना बाबूजी माताजी के आश्रम था घर पर, तो वहाँ एक बहुत बड़े भाई आते थे, व्यक्ति नामी ग्रामी थे, वो श्री कृष्ण के भक्त थे। और जब क्लास में बाबा की मुरली में सुनते थे कि श्री कृष्ण 84 जन्म लेने वाला अंतिम जन्म में है और भविष्य में श्री कृष्ण बनेंगे, ये बात उनको बहुत खलती थी कि भगवान पुनर्जन्म में कैसे आएगा, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। तो दादी और जाके क्लास के बाद वो सबको इकट्ठा करके रोड पर आपस में बातें करते थे, चर्चा करते थे। तो दादी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, ये जो अरोड़ा जी है ना, ये मेरी सारी मेहनत हम करते हैं उसको ये बर्बाद करते हैं, सब भाई बहनों को भड़का देते हैं। तो उसके ऊपर बाबा ने बहुत अच्छा पत्र लिखा कि गंगे बेटी, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिन कच्चों कच्चों को तुमने पाला है वो छटनी कर रहा है, जो निश्चय बुद्धि हैं वो तो बचेंगे और जो निश्चय बुद्धि नहीं कच्चे हैं वही जाएंगे। तो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, गलत नहीं कर रहा है, उसको करने दो जो कर रहा है।